ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कस्बा गजरौला के निवासी 8 वर्षीय दीपांशु को टीबी की बीमारी है। उसकी इस बीमारी में मदद करने के लिए कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने उसे पौष्टिक आहार अपने खर्च पर उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया है और दीपांशु का इलाज होने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु उसे गोद लिया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने बताया कि सरकार की योजना है कि जो गरीब परिवार के बच्चे टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं और उनके पास पौष्टिक आहार के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे सभी बच्चों को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के व्यक्ति भी गोद लें और उनके स्वस्थ होने में मदद करने के लिए पौष्टिक आहार अपने खर्चे से उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि इसी मुहिम के तहत गजरौला कस्बे के रहने वाले 8 वर्षीय बालक दीपांशु को उन्होंने पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए गोद लिया है और अपने खर्चे से वो उसे 6 महीने तक इलाज के दौरान पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने अन्य लोगों से भी अनुरोध किया कि वो लोग भी समाज के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें ताकि उन्हें मानव सेवा करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय सक्सेना की मौजूदगी में गोद लिए बालक को पौष्टिक आहार की किट उपलब्ध कराई और उसकी हर संभव मदद करने की बात कही। ये सरकार की एक मुहिम है कि जिनको टीबी हो गई है बच्चों को, उनको एक मुहिम चल रही है कि लोग उनको गोद लें और उनका खासकर कि जो दवाइयों का खर्चा है वो दवाई वाला खर्चा करें। तो इसमें जनप्रतिनिधि भी है, कुछ और लोग भी हैं, समाज से भी जो लोग होते हैं वो भी ले रहे हैं, जिससे कि जिनको टीबी, वैसे तो टीबी के लिए भी बहुत बेहतरीन चल रहा है और बाकायदा वैक्सीनेशन भी और इंजेक्शन भी लगते हैं, लेकिन कई बार जो है वो कुछ लोग रह जाते हैं, वो लगवा पाते हैं। मुहिम तेज है, सरकार मुहिम चला रही है, जगह जगह पे गांव-गांव जाते हैं, कैंप लगते हैं, कई बार लोग रह जाते हैं तो उनको टीबी हो जाती है या फिर और किसी और कारण से टीबी हो जाती है। तो उस मुहिम को ये लिए ये जो विचार किया जा रहा है, मैंने इस बच्चे को गोद लिया और इसकी देखभाल करते हैं जब तक उसको आवश्यकता। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंद्र सिंह की रिपोर्ट।